ये सिंगापुर में इस टाइम जो है आप ये इमारत देख रहे हैं, ये पूरी इमारत जो आप देख रहे हैं, ये इमारत है जी मुस्तफा सेंटर। ठीक है, अब इसमें आप समझ सकते हैं कि ये आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप सिंगापुर में मुस्तफा सेंटर से ले सकते हैं। ये आप कह सकते हैं कि लिटिल इंडिया का इलाका है और यहाँ पर आपको तमाम चीजें, ये नारियल पानी भी मिलता है यहाँ पर। इसके बारे में पूछा जाएगा भाई कितने का मिलता है, क्या है मामला है। ये मुस्तफा सेंटर है, आप चलते हैं, हम स्ट्रीट देखते हैं कि यहाँ पर माहौल क्या है, सफाई कैसी है, सिक्योरिटी कैसी है। आइए इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। ये लिटिल इंडिया कहलाता है यहाँ पर। चलेगी आइए, या आप देखते रहिए, पूरा बाजार देखते रहिए, खुद देखते रहिए। इस एरिया में आपको सस्ते होटल मिल जाएंगे, बड़े होटल भी हैं। अभी आप सामने देख रहे हैं वन फेयर होटल या होल्डन, ये महंगे होटल हैं। इनको आप, यानी कि हम लोग अगर टूरिस्ट की नजर से देखें तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बजट होटल मौजूद है, आप बजट होटल ले सकते हैं। क्या करेंगे ये सामने आपके एक लैंडमार्क है, इसको याद रखिएगा, मस्जिद अंगोली आएगी। आप देखिए कि बकायदा रोड उनके लिए बंद हुआ है, 10 सेकंड टाइम दिया गया है, सारी गाड़ियां लाइन पार नहीं करती हैं। और ये है डिस्प्ले जो उन्होंने खुद कायम किया है, कोई इसकी जोर जबरदस्ती नहीं है। और ये पाकिस्तान का मशहूर बारबेक्यू नाइट पे आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर आप शॉप करते हैं बारबेक्यू नाइट का, कराची के लोग जानते हैं तो वो यहाँ पर आ सकते हैं बारबेक्यू टुनाइट में। साथ की मार्केट भी है, ये जगह इसलिए अच्छी है कि आपको दुनिया भर की चीजें मिल जाती हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती है। और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि जहाँ पर मैंने अभी डिनर किया है वो जगह दिखा देता हूँ। अभी मैंने मुस्तफा सेंटर में शॉपिंग की है तो उसके बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये सड़कें ऐसी साफ हैं कि इनको रोजाना धोया जाता है। अगर आप सड़कों को देखेंगे आपको आइडिया होगा कि मैंने तकरीबन कुछ देर पहले, ये उस्मान रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी है, नॉर्थ इंडियन कुजीन, यहाँ पर खाना खाया और हमने खाया मुर्गी मसाला जो $5 का था, बहुत ज़बरदस्त है। और $1.3 का जो है इन्होंने हमें एक नान दिया, लेकिन नान इतना शानदार था, दो खाने पड़ गए, लेकिन वो बहुत ही मज़ेदार सालन था। तो अगर आप आएँ तो उस्मान को हम रिकमेंड करते हैं कि ये आपके लिए बेहतरीन खाने की जगह हो सकती है। यहाँ पर मोबाइल शॉप, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी आपके माइंड दिमाग में आता है आप वो ले सकते हैं यहाँ पर इंतहाई कम पैसों में। सिंगापुर के लिहाज से अगर आप हैं, सिंगापुर है, आपको ये समझना होगा कि सिंगापुर एक बहरहाल एक महंगा मुल्क है, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ सिंगापुर यहाँ पर आपको चीज़ सस्ती और मुनासिब मिल जाएगी। एक रेस्टोरेंट और देख लीजिएगा, ये दिल्ली रेस्टोरेंट है, यहाँ पर भी आपको बहुत ही शानदार खाने मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप टूरिस्ट हो तो आपके पास चांसेस तो कम ही रहते हैं कि आप फैसला करो, लेकिन टैक्सी महंगी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर उसके रेट बहुत हाई हैं और तकरीबन 4.10 का वो पर किलोमीटर चार्ज कर रहे होते हैं, तो बहुत चार्ज महंगा पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि आप होमवर्क करके आएँ, बसों को स्टडी करके आएँ, मेट्रो को स्टडी करके आएँ, उसकी मैपिंग को देख लें, तरतीब को समझ लें,
और थोड़ा सा सड़कों को देख के जो है आप सोचिएगा कि ये सड़कें जो हैं ये हमारे हमारी गलियां और हमारे मोहल्ले और हमारी सड़कें और इनकी डिसिप्लिन क्यों है, मतलब ये भी इंसान है हम भी इंसान हैं, ये फ़र्क क्यों है, इन्होंने फुटपाथ क्यों दिए लोगों के लिए, क्या ये इंसान है और हमें फुटपाथ क्यों नहीं दिए, क्या हमें फुटपाथ के बारे में पता नहीं है, हम इस्तेमाल नहीं करते या हम इंसान नहीं। यहाँ पर लोग डर नहीं रहे मोबाइल कैरी करके, यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, ये तमाम वजूहात जो है अब हमें जाननी होंगी, ये तमाम चीजें हम हमारे भी इल्म में होनी चाहिए कि पाकिस्तान क्या किसी एक मुल्क को कॉपी कर सकता है, जरूरी नहीं कि सिंगापुर को करे, मगर जो मुल्क अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये हमें फैसला करना होगा, सोचना होगा और वैसा अमल करना होगा। आप एक लकड़ी का बना हुआ आकार देख रहे हैं, ये टोटल लकड़ी का बना हुआ है, एक इंसान है तराशा है, इसको तराशा है, आप देख रहे हैं, इसने अपनी नाक कटवाई है, आप बहुत से लकड़ी वाले देख लीजिए, इसने अपनी नाक कटवा ली है, लेकिन आप इसकी तराशी, इसकी तराशी वहां की देखें, बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब। लिटिल इंडिया के लिहाज से आप ये देख सकते हैं, ये सच्ची साई, और इसके अलावा सामने बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। बहरहाल इन जगहों पर आया करें, अपना बजट बनाया करें, अपने पासपोर्ट को ठीक करें, और कोई काम अगर ना भी हो तो एज अ टूरिस्ट जो है आपको आना चाहिए, ताकि आपको कम से कम कुछ सीखने का, समझने का, दुनिया को देखने का मौका मिले, और दुनिया का जो ट्रस्ट है आप पर डेवलप हो कि आप जो है टूरिस्ट हैं और आपको अगले वीज़े मिलने चाहिए, तभी आप लोगों को फिर यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर या कनाडा के अंदर जो है वो टूरिस्ट वीज़ा भी मिल सकते हैं, क्योंकि आप टूरिस्ट होंगे तो आपका एक बजट होगा अपनी लाइफ का कि यार मैंने साल में एक दफ़ा कम से कम जो है वो टूरिज़म करनी है। मैं मानता हूँ खर्चे बहुत हैं, महंगाई है, लेकिन फिर भी लाइफ में अगर कुछ हासिल करना है या तो आप हासिल करने की फिक्र ही छोड़ दें, आप जैसे हम ऐसे चलाते रहें, अगर आगे बढ़ना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ये बहुत ज़रूरी है। ये लोग जो सिंगापुर डॉलर में कमाते हैं उनके लिए यहाँ पर कितनी आसानी, कितनी ही फायदेमंद मामलात हैं, मिठाई की शॉप बकायदा यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर बहुत बड़ी इंडियन आबादी जो है वो आबाद है, यहाँ पर इंडिया के लोगों के प्रमोटर ऑफिसेज हैं, वो अपने लोगों को प्रमोट करते हैं, उनकी गवर्नमेंट डील करती है, और सिंगापुर के अंदर जो है आप इस एरिया में अगर आप आएंगे तो आपको इंडियन की मोनोपोली नज़र आ जाती है, जो कामयाबी है उनकी, हम यहाँ पर शिकायत नहीं कर सकते, उनकी कामयाबी है, जहाँ उन्होंने मेहनत की है तो वहाँ से उन्होंने रिजल्ट निकाला है, दैट इज़ वेरी गुड।